फिर ओप्पो लॉन्च करने जा रहा है अपना एक न्यू फोल्डेबल स्मार्टफोन, जो कि ये स्मार्टफोन है ओप्पो फाइंड N2 फोल्ड। तो फिर आज की इस वीडियो में इस स्मार्टफोन की फुल्ली रिव्यू करूंगा, कैसे स्मार्टफोन है सारी चीजें इन टोटल आज की इस वीडियो में बताऊंगा, डिजाइनिंग से लेकर सारी चीजें प्राइसिंग तक सारी चीजें इन टोटल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले आपको 7.1 इंच का आपको क्वाड HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज का आपको हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। एंड जब इस स्मार्टफोन को आप क्लोज कर दोगे तो उसके बाद एक और डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि ये आपको 5.54 इंच का आपको फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज के साथ AMOLED पैनल देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने को मिलता है, लेटेस्ट प्रोसेसर नहीं है। एंड अगर बात करें कैमरा सेटअप की तो ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग देखने को मिलती है, जो कि इसमें आपको प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का एंड सेकेंडरी कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आने वाला है। एंड थर्ड कैमरा आपको 28 मेगापिक्सल का, जो कि टेलीफोटो लेंस के लिए काम आएगा। एंड फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि दो फ्रंट कैमरा रहने वाले हैं, यानी कि जब आप फोन को ओपन करोगे तो एक और फ्रंट कैमरा एंड जब क्लोज करोगे तो एक और साइड डिस्प्ले मिलेगी, वहां पर भी आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा, यानी कि दोनों कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का मिलेगा। एंड बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 4320 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि इसमें आपको 67 वाट का आपको सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। एंड इसकी बेस वेरिएंट की बात करें तो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आपको देखने को मिलेगा। एंड इसकी प्राइसिंग सैमसंग के फोल्ड स्मार्टफोन से भी कम है, यानी कि 1 लाख से भी कम 95,000 के अंदर ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। तो फिर स्मार्टफोन तो काफ़ी बढ़िया, प्राइसिंग भी काफ़ी बढ़िया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एंड तब तक लेते हैं, बाय बाय।